नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का पांचवां भाग। होरे को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नांद गारनी है, बैलों के लिए अलग से उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गारने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुर्बकपन है, भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मरैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, पांच शेर से कम क्या दूध देगी? शेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है, अब ये जितना चाहे। कभी कभी दो चार शेर मालिकों को भी दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की भी तो पूजा करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी तो देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी, नहीं तो यहां कोई एक पैसे को नहीं पति आता। सन में क्या कोई कुछ नहीं मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया, चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती, लगती पूछने किसकी गाय है, कहां से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी, कभी दो चार पैसे ऊपर से आ जाते हैं उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह भी अच्छा ही है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बगाने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गांव की ऐसी सेवा करता जैसी चाहिए, आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता है। मैं भी तो दादा के सामने मटर गस्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता, कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया? सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा हीरा अलग ही हो गए, नहीं तो आज इस घर की और बात ही क्या होती। तीन हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था, बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर ले लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता, तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल ना होती तो आज शोभा और हीरा जो मूछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने पूर्व
दिशा की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा? नहीं, कह के तो यही सोया है कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नांद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या किसी कारण से गाय ना दी तो सारे गांव वाले तालियां पीटने लगेंगे। चले थे गाय लेने। पत्थे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तब बाप की कौन चलती है? कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया, तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरे गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी, सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए? चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाता देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए, 17वां लग गया है, मगर करे कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हो? जब से तीनों भाइयों में अलग्योजा हो गया है घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं, 200-300 लड़की के दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहां से आवे इतने रुपए? रास खलियान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं बसता, ब्याह कहां से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे? मैं तो होरी ने देखा दमड़ी बसोर खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चीकें कुर्सियां मोढ़े टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट के ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा मती। चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया, 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया, फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटो मैं तो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चला गया, बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती, कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी, जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा
वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नियत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में कोई किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं 20 रुपए में सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़ी जाओगे, तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावनाओं में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया। हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए में। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नागीज होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ओख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहां बांस ना कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगियोझा हुआ था, धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल ही में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे, बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी, बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी, बनाव श्रृंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी से भोजन ही का ठिकाना न था, श्रृंगार के पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था, जिस पर एक बार गावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करते हुए बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकालकर चौधरी के सिर मुंह पीठ पर अंधाधुन जमाने लगी। बसौर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान, मारती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जाति पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खरे खरे मार खाने के सिवा इस संकट से बचने का उसके पास और कोई दवा न था। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। होरी ने समझा
चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगियोजे की ऊंची बाधा को तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी तो यहां से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को क्या समझा है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ? चौधरी कसमें खा खा कर अपनी सफाई देने लगा। तल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं, क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी, अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून, कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। धन्यवाद।